हेलो, जकास न्यूज़ में आपका स्वागत है। चीन ने अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए 20 मार्शल आर्ट ट्रेनर और एमएमए फाइटर्स बुलाए हैं। चीन ने इसके लिए कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं बताया है, परंतु माना जा रहा है 15 जून को हुए खूनी संघर्ष के बाद चीन को इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 जून को क्या हुआ होगा। 15 जून को भारतीय सेना के घातक कमांडोज ने लगभग 18 चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी। उसी को देखते हुए चीन ने ये फैसला लिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आमने सामने की लड़ाई में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। चीन में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, माँ बाप का इकलौता बच्चा फौज में है, तो चीनी सैनिक मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। गलवान फेस ऑफ के बाद चीन अपने सैनिकों को मार्शल आर्ट में ट्रेंड कर रहा है, ताकि अगर दोबारा ऐसी नौबत आए तो उनके सैनिकों की पिछली बार की तरह बुरी दुर्गति ना हो। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का। यह वाकई भारत के लिए चिंताजनक है। खबरों की माने तो चीन ने अपने J-10 और J-11 फाइटर जेट को पाकिस्तान के एयरबेस पर तैनात कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है, अब भारत अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद फाइटर और बाकी इक्विपमेंट का यूज चीन के खिलाफ LAC पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर पे भी थ्रेट बनी रहेगी। इसी कारण से भारतीय वायुसेना हमेशा टू फ्रंट वार की बात करती है। चीनी सेना के IL-78 एयरक्राफ्ट यानी रिफ्यूलर की मौजूदगी भी पाकिस्तान में देखी गई है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने भारतीय न्यूज एजेंसी PTI को एक इंटरव्यू दिया। इसमें विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत को उम्मीद है तनाव कम करने के लिए चीन अपनी जिम्मेदारी समझेगा और LAC के पास अपनी साइड लौटेगा। PTI ने इसी हेडलाइन के साथ ट्वीट किया और इसके कुछ देर बाद इंटरव्यू रिलीज किया गया। जब इंटरव्यू रिलीज हुआ तो इंटरव्यू में यह हेडलाइन वाला हिस्सा गायब मिला। सवाल ये उठता है कि इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण लाइन चीन LAC के पार अपनी साइड लौटेगा को इंटरव्यू से क्यों हटाया गया और किसके कहने पर हटाया गया। विक्रम मिश्री के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें मोदी जी ने कहा था किसी ने भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। इसके बाद चीन ने मोदी जी के बयान को हथियार बनाते हुए पूरी दुनिया में प्रोपोगेंडा चलाया था। देखो, भारत का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हमने उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है और 15 जून की रात को हुए खूनी संघर्ष के लिए चीन जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को इस बारे में सफाई देनी पड़ी थी। हालांकि चीन ने विवादित क्षेत्र में घुसपैठ की है, परंतु सवाल ये उठता है, क्या भारत विवादित क्षेत्र को अपना नहीं मानता है? क्या भारत ने विवादित क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया है? चीन ने Finger 4 से Finger 8 चोटी के बीच बंकर और अन्य स्थायी सुविधाएं बना ली हैं, जहां सैनिक दिन रात ठहर कर अपने कब्जे के इलाके की चौकसी और रक्षा कर सकते हैं। 27 जून तक की ताज़ा रिपोर्ट है कि चीनी सेना Finger 4 से नीचे Finger 3 तक भी अपने कदम बढ़ा चुकी है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच चल रहे इस विवाद को लेकर आपकी क्या राय है और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।